नमस्ते दोस्तों, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी का नाम है 137वां पैर। इस कहानी की लेखिका है माधुरी पुरंदरे। यह एक नए दिन की शुरुआत थी। जंगल पर सूरज की कोमल किरणें फैल रही थी। पंछी जाग चुके थे। एक गोजर एक बड़े से भूरे पत्ते के भीतर खुमारी में दुबकी हुई थी। चिड़ियों की चहचहाट ने उसे जगा दिया। जाओ यहां से, मुझे सोने दो, वह बुदबुदाई। मैं जानती हूं सुबह हो चुकी है, तुम हर रोज इसके लिए शोर ना किया करो, उसने चिड़ियों से कहा। गोजर पत्ते के भीतर से बाहर निकल कर आई। उसने अपने पहले 15 जोड़े पैरों को खींचा। उसके बाद उसने लंबी उबासी ली। कितनी भूख लगी है मुझे, गोजर बोली और इधर उधर नजरें घुमाकर भोजन की खोज करने लगी। अपनी हड़बड़ाहट में वह एक बड़े पत्थर से जा टकराई और गिर पड़ी। आ हे ईश्वर, ओ मेरा एक पैर टूट गया, वह चिल्लाई। पास ही एक नन्ही गोरैया दाना चुन रही थी। अरे तुमने अपना एक पैर तोड़ लिया, अगर मेरे पास इतने पैर होते तो मैं भी एक तोड़ लेती। देखो देखो मुझे, मेरे दो पैर हैं, एक दूसरे के साथ चलता है, कोई परेशानी नहीं, आसान, वह इतराकर बोली। और इतनी जल्दबाजी किस लिए? क्या तुम मेरी मदद कर सकोगी? गोजर ने पूछा। इतनी सुबह? नहीं मैडम, मुझे माफ करे, मुझे अभी काम करने हैं, गोरैया बोली और वहां से फुर हो गई। गोजर ने मधुमक्खियों से मदद मांगी, लेकिन वे भी फूलों से मध इकट्ठा करने में व्यस्त थी। तुम्हारे पास बहुत सारे पैर हैं, तितली बोली, अगर एक टूट भी गया तो उसकी इतनी परवाह क्यों करती हो? बंद करो ये सब नाटक, घोंगे ने सलाह दी। तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें इस तरह चलना चाहिए, धीरे धीरे। इन बातों से गोजर अब बहुत दुखी हो गई। कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता, मैं फिर से पहले की तरह चलना चाहती हूँ, वह सुबकने लगी। एक मकड़ा अपने जाल पर खुशी खुशी झूल रहा था। उसने गोजर को रोते हुए देखा। ओ मेरी नन्ही दोस्त, तुम्हें क्या हुआ जो तुम इतनी सुबह सुबह रो रही हो? वह बोला। मेरा एक पैर टूट गया और मुझे तकलीफ हो रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? गोजर ने पूछा। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे इतने सारे पैरों में से मैं टूटा पैर कैसे खोजूं? मैं केवल 8 तक गिन सकता हूँ, मकड़ा बोला। ठीक है, मेरे साथ गिनो, गोजर बोली। 100 और यही है मेरा टूटा पैर, मेरा 137वां पैर। मकड़ा जाले से झूलता हुआ नीचे गोजर के पास उतरा। वह उसके टूटे पैर के चारों ओर घुमा, घूमता रहा और अपने जाले के रेशम धागे से उसे बांध दिया। अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? उसने पूछा। गोजर खुश होकर मुस्कुराने लगी। धन्यवाद प्रिय मकड़े, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं क्या करती। अपना ख्याल रखो नन्ही गोजर, आप किसी बड़ी चीज से टकराना मत। टाटा, मकड़े ने कहा। टाटा, गोजर खुश होकर बोली। धन्यवाद।